नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं त्वचा विकार और आयुर्वेद में बताया हुआ पूरा उपचार। और 99% पेशेंट्स ऐसे गलतियां जो करते हैं जिसके कारण जहां विकार 5% होना चाहिए वो 10 गुना बड़ा है, वो फैल रहा है दिन ब दिन, वो तकलीफ पेशेंट को पता चलती कि मुझे वापस आने वाला है। और ऐसे गलतियां जो पेशेंट हर रोज़ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए अगर उन्हें ठीक होना है तो। जानते हैं इस वीडियो में कैसे कौन सी गलती है। हमें जब यू नो 50 से भी ज़्यादा देशों में पेशेंट के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, उनके कारण फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत इजीली कारण फाइंड आउट करके आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से चिकित्सा करते हैं तो पूरा उपचार हम देखते हैं। पेशेंट का नॉर्मल लाइफस्टाइल रिज्यूम होता है, सभी चीज़ें ठीक हो जाते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बंद होते हैं। 5-6 साल 10 साल के बाद फॉलोअप जब लिया जाता है तब भी पता चलता है कि देर इज़ नो रिअकरेंस, नो फेलियर, नो रिलैप्सिस थ्रू आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी या स्पेसिफिक पिन पॉइंट क्लासिकल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हम ये देखते हैं। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब हमने पेशेंट्स के साथ बात किया, ओवर 50 कंट्रीज टुडे जब कम्युनिकेट करते हैं, उनके पूरे बॉडी पर स्किन डिजीज है, लेट से फंगल इन्फेक्शन है या लेट से पेम्पिगस वल्गैरिस है, उनके पूरे बॉडी पर इन्फेक्शन है। और हम जब उनके साथ बात करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आपको डैंड्रफ भी है, तो पेशेंट का ये कहना होता है कि यस, वो तो मुझे काफ़ी सालों से है, मैं एक लोशन अप्लाई करता हूँ विच इज़ नथिंग अदर देन कीटोकोनाजोल, तो ये अप्लाई करता हूँ, सब चला जाता है, वापस आ जाता है, ये डैंड्रफ ही है, उसका कोई बात नहीं डॉक्टर, आप मेरा ये सोराइसिस ठीक करिएगा। सो मेरा कहना है कि रिसर्च के हिसाब से 80% जिन्हें सोराइसिस, उनके स्कैल्प सोराइसिस भी है, ये कभी डैंड्रफ था ही नहीं, इट वॉज स्कैल्प सोरियसिस जो इग्नोर किया गया, सप्रेस किया गया। और सप्रेस एक ऐसा प्रॉब्लम है कि गुस्सा भी अगर हम सप्रेस करें तो वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। Anything that we suppress will multiply and aggravate, will flare up. So, जिन patient को पूरे शरीर पर psoriasis है, उसका होने का कारण multiple suppression. Most cases में ऐसा हम देखते हैं, सभी cases में नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ketoconazole से problem तो solve हो रहा है, bonus में क्या मिल रहा है? Dry frizzy hair, hair loss, alopecia and graying of hair. Dandruff जा रहा है कितना time के लिए? 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। वापस आने वाला है 100%। सो ये एक ठिकान, दो ठिकान, 10-12 ठिकान से जब पेशेंट फाइल लेके आते हैं तो हम पेशेंट को ऐसे बताते हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट फाइल, दिस इज़ योर 2, 3, 4, 5, प्लीज़ रीड द इंग्रेडिएंट। सो पहले दे हैव टेकन पैरासिटामोल फ्रॉम चेंबूर, देन दादर, देन बैंड्रा, देन अंधेरी, देन सांताक्रूज। पेशेंट हैव स्किन डिसऑर्डर्स ऑल ओवर देयर बॉडी, हाउ डिड इट स्टार्ट? फर्स्ट यहाँ पर हुआ, दे अप्लाइड द क्रीम, यू नो, देन उसके बाद यहाँ पर भी हो गया, दे यूज़ द मेडिसिन, चला गया। यहाँ पर भी हुआ, दे यूज़ द मेडिसिन, चला गया। अभी यहाँ पर आ गया और इसके साथ ये चारों वापस आ गए। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट को लगता है कि नहीं, क्रीम लगाने से फ़ायदा मेरा ज़रूर हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्रीम से चला गया, मैं बहुत खुश हूँ, आज नहीं तो कल आने वाला, ये होता ही है 80% प्लस पेशेंट, होना ही है। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट वो कभी क्लियर हो ही नहीं रहा। इट इज़ लाइक ब्लॉकिंग योर स्किन, व्हेन स्किन इज ब्लॉक, एवरीथिंग दैट इज ओवर द स्किन, इट इज़ पुशिंग इनसाइड, सो इन्फ्लेमेशन इज ओवर हियर, वंस यू स्टॉप यूजिंग इट कम्स बैक, टिल द टाइम यू डोंट स्टॉप यूजिंग इट, इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड एग्रोवेट। कई पेशेंट्स का ये भी कहना है कि नहीं, क्रीम से मुझे फ़ायदा हुआ है क्योंकि मैंने क्रीम यहाँ पर लगाया, यहाँ का चला गया और मेरे पैरों पर आ गया। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, you suppress anything in your body, you can't do that, because if you do that you're going against the nature and it will multiply. So we see multiple skin disorders, multiple failures, relapses, reoccurrences. If you experience that the same halbertosol, the same clobetasol, the same ketoconazole, like patients have 5% fungal infection over private area, use the medicine, get total cure, comes back again 6%, comes back again 7%, 8%, 9%, entire body fungal infection. We have cases with testimonial, with data, not in Mumbai, across 50 countries, from the scalp to the feet, entire body filled with fungal infection. How did this happen? Over a period of time. Hence, thumb rule, if you experience something relapsing, reoccurring, failure, choose Ayurveda before it's too late. Of course, you must choose Ayurveda when all gates are closed,
when all doors are closed, choose Ayurveda. Even in those cases, there will be complete cure. But some people say Ayurveda is too slow, which is why when patient is taking 60 and 80 mg of prednisolone, when patient doesn't take one dose, the entire body is with blood, patient is going to need 6 months of treatment, is going to need 1 year of treatment, may require more than 1 year of treatment. If they don't take an omnicordial for one time, the bleeding is there, then we know that the body is so much dependable to the drugs. Here in such cases, whether it is pain, whether it is gynec, whether it is gastroenterology, neurology, psychiatry, even psychiatry, psychiatry Ayurveda has the best results, or even it is the dermatology. There are two things that we need to cure. Number one is the medicine habit dependency, and second, which is the disease itself. So this is what Ayurveda does. It has a complete cure for skin infection. We see how Vata, Pitta, Kapha, Ayurveda has a principle. Rukshata because of Vata, we see burning, Daha because of Pitta, we see Kandu and Shoth, itching and swelling because of Kapha. As per the appearance, as per the Prakruti, Vikruti, Kal, Bal, we do the proper Prakruti analysis, and as per that, the right amount of herbs are chosen and we see complete cure. Ayurveda is the only science where with medicine there are hundreds of Purva Karma, Pradhan Karma and Pashat Karma. There is Vaman, Virechan, Basti, Nasya, Vidya Karma, Agni Karma. There is Prachan, Jaloka, which is leech for so many disorders. There is the the Gati. There are so many different protocols, patients get instant result, good results, and overall we see you must choose Ayurveda before it's too late. So the thumb rule and the only point over here is if you experience relapse, reoccurrence, choose Ayurveda. Stop using it if you experience it is suppressing, because suppression is equal to multiplication, multiplication is equal to aggravation. It will aggravate further. So until then, if there is a skin disorder, we have a video where we've discussed about foods that act as medicine. Food that act as medicine, one must definitely watch it. Do's and don'ts, skin foods. We've explained about certain herbs like Khadir, Manjishta, Sareva, Yashti Madhu, how to use them in the best way as per the symptoms to ensure best results. Any doubts, any questions, let us know in the comment section below. Do reach out to us if you have any doubts, any help. Do like this video, share it further. Until next time, from Jovi's and the team, look impressive, be progressive.